मैकमा पीडब्ल्यू डी इकट्ठा हुआ यहाँ कि ये एक रोड बनी थी जो के सरों वाली पट्टियों से उतराड़ा के लिए थी, 4 किलोमीटर रोड। लेकिन बड़े दुख की बात है, ये रोड पहले निकली हुई थी, दोबारा इसमें काम करना था। पहले इसमें गाड़ियां आती थी, उस ट्रैक्टर आते थे। हमें कोई हम तो इतने अमीर बंदे हैं नहीं कि हमारे पास पर्सनल गाड़ियां हैं। हमें चाहिए मौत मुलाकात में गाड़ी, जिसमें हम पत्थर वगैरह लेके जाते हैं ट्रैक्टर पर। उसके बाद हमारी शादी होती, शादियां होती हैं, कोई शमियाना। जैसे आप सबको पता है आजकल वक्त है कि शमियाने के बगैर शादी नहीं होती, तो शमियाना वगैरह लेके आते हैं। आपको हम दिखाएंगे इसमें के पहले फिर गाड़ियां ट्रैक्टर आती थी। जब से इस रोड में काम हुआ तब से जो है इस रोड में ट्रैक्टर भी लाना मुश्किल हो गया। लोग जो है गाड़ियों ट्रैक्टर रस्से के साथ खींच के इसको ला रहे हैं यहाँ तक, बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इस सरकार हमारी तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने जो है जगह जगह रोडों का जाल बिछा दिया, लेकिन रोडों का जाल तो बिछा दिया लेकिन उसमें गाड़ियां नहीं चलती, खाली लोगों की जमीनों को काट के बर्बाद कर दिया गया है। क्योंकि पहले ही जम्मू कश्मीर के लोग गरीब हैं, उनकी जमीनों को काट के उसको नुकसान किया गया है, उसमें गाड़ी भी नहीं चलती, जमीनों को काट दिया। मेरी ये अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के DC साहब से और अपने अपने तहसील मेंढर के SDM साहब से, जो बहुत ही होनेस्ट अफसर हैं, हमारे DC साहब भी अभी नए पोस्टिंग आए हैं, हमें उम्मीद है कि इस मसले को हल करने की हमारे DC साहब जो है कोशिश करेंगे। उसके बाद महकमा PWD के एक्शन साहब और के जेई साहब, AE साहब, महकमा PWD के आला अधिकारियों से भी गुजारिश रहेगी, बराए मेहरबानी इस रोड को चेक किया जाए कि कैसा काम हुआ है या नहीं हुआ है। मैं इस रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो है लोग रो रहे हैं कि हमारी रोडों का काम जो है ठीक ढंग से नहीं हुआ है। जिस हिसाब से रिक्वेस्ट है, SDM मेंढर से रिक्वेस्ट है, PWD से रिक्वेस्ट है कि हमारी रोड की यह हालत है। पहले रोड ट्रैक्टर चल रहे थे, रोड थोड़ी ठीक सी ट्रैक्टर रोड थी, अब ये PWD वाली ने टेंडर लिया और रोड बनाना शुरू कर दिया, ऐसे खोद के चले गए। जो 3 किलो जो सरांड पट्टी से पुताड़ा रोड थी, 3 किलोमीटर में बजरा डाला, जो 1 किलोमीटर है उसको ऐसे खोद के चला गया, ना ट्रैक्टर चल रहा है ना कुछ। राम ऐसे रस्ते बाकर ट्रैक्टर के खींचते हैं, शादी होती है शमैना आनते हैं को मार जाता है, हम तख्ते आनते हैं और रस्ते बाकर खींचते हैं, तो फिर वो ट्रैक्टर जाता है। ये हालत हमारी महकमे से रिक्वेस्ट है कि ये हमारी रोड आन के देखे, SDM साहब देखे मौके पर क्या हालत है रोड की, तो हम ज्यादा नहीं कुछ चाहते, बस इसी पर इस्तेमाल करते हैं। उस SDM साहब से उन्होंने ये मौका देखा हुआ है, DC साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, महकमा PWD से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी रोड की हस्ता हालत देखी जाए। कम से कम 200 कुंभ है यहाँ, 200 कुंभे का आना जाना 24 घंटे का ये रास्ता है। पहले तो हम ट्रैक्टर लेके आते थे, कम से कम कोई बजरी लेके आता है, कोई तख्ते लेके आता है, कोई शर्मियाने लेके उठाता है। सब आदमी का जमीन ज्यादा पीछे है, घास कटाई होती है, 200-200 भरी घास लेके नीचे आते हैं लोग। पहले तो हम गुजारा करते थे, अब जनाबे वाला ये 2 महीने पहले रोड निकाली गई, काम किया गया, काम की हस्ता हालत देखी जाए, अभी आदमी जो है वो रोड में खाली नहीं चल सकता है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं बिलखसूस SDM साहब से, DC साहब से, महकमा PWD से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इस रोड की जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अगर 100% काम आता है तो कम से कम 50% होना चाहिए, 45% होना चाहिए, ताकि हम अपनी ट्राली लेके आए